कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। बात करेंगे खाद्य तेल बाजार के बारे में। आज जानेंगे वीकेंड वाले दिन, हफ्ते के आखिरी दिन, किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है खाद्य तेल के मार्केट में, क्या कीमतें चल रही हैं, किस तरह का उतार चढ़ाव ट्रेंड बाजारों में आज आप देख सकते हैं, विस्तार से इस बारे में बात करेंगे। इसलिए हमारे साथ खबरों में अंत तक जरूर बने रहिए। तो खाद्य तेल के मार्केट के बारे में अगर बात करते हैं, लूज के मार्केट में आज जो हल्की सी नरमी के साथ कारोबार देखा जा रहा है, लेकिन आप वीकेंड को देखते हुए आप स्वस्थ एक कारोबार देखकर चल सकते हैं। बहुत ज्यादा तेजी तो नहीं आई है। कीमतों के बारे में अगर बात करी जाए तो मई वनस्पति में बंधाई चक रेट 1430 है। पामोलिन ने बंधाई चक कीमतें 1335 चल रही है। एक लीटर पामोलिन का रेट 89 रुपए है। सोया ऑयल ने बंधाई चक कीमतें 1470 है। एक लीटर सोया ऑयल कीमतें आप 96 रुपए देखकर चल सकते हैं। इसके अलावा फॉर्चून में 1640 रुपए का रेट 15 लीटर में देखा जा रहा है। एक लीटर फॉर्चून कीमतें 113 है। बेस्ट चॉइस में सोया रिफाइन में एक लीटर का रेट 101 है। पामोलिन में एक लीटर कीमतें 90 रुपए देखी जा रही हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में राइस ब्रान का रेट 90 रुपए है। सोया ऑयल कीमतें 99 रुपए है। सोया ड्यू का रेट 97 रुपए चल रहा है। मस्टर्ड की कीमतें उत्तर प्रदेश में 107 है। एक्सप्लोर का रेट 105 देखा जा रहा है। पामोलिन में आप 91 रुपए का रेट मार्केट में देखकर चल सकते हैं। अब वीकेंड को देखते हुए बाकी दिनों के हिसाब से आसुस्त कारोबार देखा जा रहा है। विदेशी बाजार भी आज बंद है, बहुत ज्यादा कारोबार नहीं देखा गया है। रेट के बारे में अगर बात करते हैं तो अगर आपको इसके अलावा भी खातिर बाजार से जुड़े किस तरह के रेट की जानकारी चाहिए तो आप हमारा ऐप एवी लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। जिस ऐप में आपको खातिर बाजार जुड़े हर तरह के रेट के अपडेट और डेली मार्केट के जितने भी अपडेट होते हैं वो आपको इसमें मिल जाएंगे। लेकिन ये जो ऐप है ये पूरी तरह से फ्री ऐप नहीं है। आपको उसमें जो भी सर्विस मिलेगी वो पेड सर्विस है, लेकिन आप ऐप यूज करने से पहले आप इसमें डेमो भी ऐप का लेकर देख सकते हैं। अब मार्केट में आज के ट्रेंड के बारे में बात करते हैं तो ट्रेंड आपको हल्का सा नेगेटिव नजर आ सकता है। फ्लैट बाजारों में आज देखा जा रहा है मार्केट, बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आई और ना ही अब बहुत ज्यादा तेजी से कारोबार देखा गया है मार्केट में। प्रॉफिट बुकिंग को देखते हुए बहुत ज्यादा तेजी आने का अनुमान भी फिलहाल में नजर नहीं आ रहा है। तो आज खबरों में सिर्फ इतना ही। अगर आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।